हेलो एंड नमस्ते एवरीवन सो आज की वीडियो में हम करेंगे राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में वी आर कवरिंग ऑल्टरनेटिवली राजस्थान राजस्थानी कल्चर एंड राजस्थान पॉलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं ये क्वेश्चन आरएएस के एग्जाम में पूछा गया था दैट व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन राजस्थान सो हियर इज़ द आंसर इज़ ट्वेल्व सो आज हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से

जो राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली है देर इज़ नो लेजिस्टिव काउंसिल सो लेजिस्टिव असेंबली जो है उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सी एम के साथ होते हैं तो सी एम के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी अलग अलग टाइप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जैसे कि कुछ होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स कुछ होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ होंगे डिप्यूटी मिनिस्टर एंड कुछ होंगे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं है ना ये होम मिनिस्टर हैं तो वो क्या होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर टाइप अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 164 ये कहता है कि गवर्नर जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एंड उनको एडवाइस कौन देंगे चीफ मिनिस्टर 164 सिक्सटी फोर सबसेक्शन वन ए ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टोटल मेंबर से फिफ्टीन परसेंट ज़्यादा नहीं हो सकते अब अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में है टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड के हिसाब से टू हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट कितना हो गया टू हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट कितना हो गया थर्टी मिनिमम क्वेश्चन आया था कि मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए तो मिनिमम कम से कम ट्वेल्व तो होने ही होने चाहिए जिसमें इलेवन मिनिस्टर एंड वन चीफ मिनिस्टर लेकिन सिक्किम मिज़ोरम एंड गोवा को इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे और भी कम रह जाते हैं वन सिक्सटी फोर वन डिफेक्शन की भी बात करता है कि अगर कोई मेम्बर डिफेक्शन के लिए डिसक्वालीफाइड है मीन्स तो उसने कुछ गलती की है तो फिर वो मिनिस्टर नहीं बन सकता नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर की तरह ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्टिव असम्बली के लिए ओथ ऑफ ऑफिस लेना पड़ता है उनको शपथ लेनी पड़ती है गवर्नर उनको देखते हैं एक तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं सैलरी अलाउेंसेस सब स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करता है टाइम इनका इनडेफिनाइट है बट मोस्टली पाँच साल तक ये लोग सर्व करते हैं एंड गवर्नर के प्लेजर पर काम किया जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जो भी डिसीजंस होंगे वो एक साथ लिए जाएंगे अगर डिफरेंट ओपिनियंस हैं तो कंसल्टेशन के बाद डिसीजन लिया जाएगा सभी डिसीजन कलेक्टिव हैं तो पूरा काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली को हर मेंबर ओथ भी लेता है कॉन्फिडेंशियलिटी की कि वो कुछ भी आउट नहीं करेंगे सीक्रेट रखेंगे वॉयलेशन अगर करेंगे तो उससे उनका रेजिग्नेशन भी हो सकता है नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर कोई भी सोशल इशू है कोई भी इकोनॉमिक इशू है कोई चैलेंजेस हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है सो यस दे हैव द पावर एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल लेजिसटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन जो कानून बनेंगे जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे लेजिसलेटिव असम्बली में उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बजट बनाना है स्टेट का बजट बनाना है सो उसमें भी ये मुख्य भूमिका निभाते हैं गवर्नर को भी एडवाइस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे किसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इनका पूरा कंट्रोल होता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए इनका पूरा कंट्रोल होता है अगर कोई क्वेश्चन रेस करता है लेजिस्लेटर तो उसको आंसर देना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट जैसे अभी हमने पढ़ा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ वाइडर टर्म मतलब जैसे आप देखोगे एक तरीके से कि बीजेपी के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो मोस्टली आप बोल सकते हो कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है ऑब्वियस हैं लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाती हैं सो दैट इज कॉल्ड कैबिनेट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो सभी आ गए ऑल मिनिस्टर्स लेकिन कैबिनेट में कुछ सीनियर कुछ की मिनिस्टर्स और ये छोटा सा हिस्सा होता है कैबिनेट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आप एक तरीके से बोल सकते हो सिमिलरली मेंबर्स की बात करें तो सभी कैबिनेट भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी मतलब ये जो सब हैं दीज ऑल आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होगा जैसे होम मिनिस्ट्री का फाइनेंस मिनिस्ट्री का टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का तो ये जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं ये सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होंगे इन मिनिस्टर्स के पास होंगे सभी मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कैबिनेट जो है वो डिसीजन कोर बॉडी है ये कुछ ही पॉलिसीज पर फोकस करेंगे एंड गवर्नेंस पर फोकस करेंगे कि बेसिकली सरकार कैसे चलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो फिफ्टीन परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते लेकिन मिनिमम ट्वेल्व होने चाहिए किस किस को छोड़कर मिजोरम सिक्किम एंड गोवा को छोड़कर कैबिनेट की कोई लिमिट फिक्स नहीं है चीफ मिनिस्टर जितने भी अब जैसे मान लो अगर मिनिमम ट्वेल्व हैं तो ट्वेल्व के ट्वेल्व को चाहे तो वो कैबिनेट बना सकते हैं और अगर थर्टी हैं राजस्थान में टू हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट तो पूरे थर्टी को भी कैबिनेट बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक्ट आया था टू में यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था आर एस में प्री प्री के अंदर कि व्हाट कैन बी द मिनिमम मेंबर्स सो 15 परसेंट मिनिमम 12 रहेंगे ये फर्स्ट जनवरी 2004 से लागू हो गया था अभी अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर्स हैं टेन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं टेन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं ये देखो चेंज होते रहते हैं किचन कैबिनेट क्या होता है किचन कैबिनेट मतलब कि जो प्राइम जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने कुछ दो चार कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो वो उनके लॉयल मिनिस्टर्स होते हैं जिसको किचन कैबिनेट ये इंदिरा गांधी के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा टर्म फेमस हुई थी शेडो कैबिनेट जो ओपोजिशन पार्टी बनाती है गवर्नमेंट डिसीजंस को देखते रहते हैं ये सबसे पहले जो वसुंधरा राजे थे उन्होंने इनोग्रेट किया था इसको नाउ अगर हम कुछ हिस्ट्री देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो होते हैं ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फोर्थ लेजिस्लेटिव असेंबली में मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर तो सुख अच्छी बात है तो सुख से आप याद रख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कोई भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है लेकिन मेंबर नहीं होना चाहिए लेकिन इलेक्टेड भी होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्टिव काउंसिल में विद इन सिक्स मंथ्स मतलब अगर मान लो मेंबर नहीं है अगर स्टेट का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर नहीं है तो आपको इलेक्ट होना पड़ेगा छः महीने के अंदर अंदर एंड इफ नॉट देन दे मस्ट रिजाइन फ्रॉम देयर मिनिस्ट्रियल पोजिशन सो so, एक पर्सन तभी मिनिस्टर अपॉइंट कर किया जा सकते हैं कि जब वो इलेक्टेड हो रेजिग्नेशन एंड रिमूवल गवर्नर के प्लेजर पे होते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को मतलब अगर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ पास हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है उसको रिजाइन करना पड़ता है कैबिनेट जो है जो कि कोर ग्रुप है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कोर ग्रुप है तो ये रेगुलरली मिलते रहते हैं कुछ पॉलिसीज डिस्कस करते रहते हैं मतलब सब कुछ यही लोग करते रहते हैं एक तरीके से और जो भी कैबिनेट की इनकी जो भी मीटिंग्स होंगी उसके अंदर चीफ मिनिस्टर इनके हेड होंगे जो कि सब कुछ देख रहे होंगे कि पॉलिसीज़ वगैरह सब काम ठीक ढंग से हो रहा है या फिर नहीं ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं ये पॉलिसीज़ बनाते हैं सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर मिनिस्टर का एक पोर्टफोलियो होता है जैसे हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर और ये देखते हैं कि इनके डिपार्टमेंट अच्छे से काम करें पॉलिसीज़ को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करें ये गवर्नर को एडवाइस भी करते हैं कि, कि किसको अपॉइंट करना चाहिए जैसे एडवोकेट जनरल किसको अपॉइंट करें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट करें सो दे एडवाइस दी एम बजट के अप्रूवल के लिए भी कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को बजट पेश करते हैं एंड कैबिनेट देखती है कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में सेशन्स के दौरान इनसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल दे हैव टू आंसर दे हैव टू एक्सप्लेन कि गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों लिया ये पॉलिसी क्यों बनाई एंड उनको जस्टिफाई करना पड़ता है नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम पब्लिक उनको जवाब देती है लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव असेंबली कानून तो बनाती बनाती है कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जैसे कोई भी बिल स्टार्ट करना है सो उसके लिए दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ प्रिंसिपल्स क्या है कैबिनेट गवर्नमेंट के कि एक तो इनको सॉलिडारिटी बनाकर रखनी पड़ेगी अगर कोई डिसीजन लिया गया है सो सभी मिनिस्टर से उम्मीद की जाती है कि वो उसे सपोर्ट करें चाहे वो डिसग्री भी करते हों बट पब्लिकली उन्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए तभी तो यूनाइटेड फ्रंट पे सरकार दिखेगी कलेक्टिव ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो चीफ मिनिस्टर के साथ सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी डिसीजन ये ले रहे हैं सो so, कॉन्फिडेंशियल रखना है डिस्कशंस को कॉन्फिडेंशियल रखना है अगर ये बीच हो जाता है तो फिर आपका ट्रस्ट और फंक्शनिंग पे सवाल उठाए जाते हैं किचन कैबिनेट जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये एक इंटरनल कैबिनेट है दो से चार कुछ ट्रस्टेड मेंबर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर के जो कि उनको इंपॉर्टेंट डिसीजन से लेने में हेल्प करते हैं शेडो कैबिनेट जो अपोजिशन पार्टी का जो कुछ मेंबर्स होते हैं उनको शेडो कैबिनेट कहते हैं वसुंधरा राजे के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू थाउजेंड थ्री ये कहते हैं कि फिफ्टीन परसेंट होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के अकॉर्डिंग क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नौ कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे कि अभी मैंने कई बार बता दिया ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जैसे कि फाइनेंस होम एजुकेशन मिनिस्टर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ये सीनियर होते हैं ये जूनियर होते हैं ये इन लोगों को हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं इनके डिपार्टमेंट्स में छोटे छोटे इनको पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कभी कभी कुछ बड़े भी दे दिए जाते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर ये इन दोनों को हेल्प करेंगे और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ये मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं कि कानून अच्छे से चलता रहे लेकिन इनका कोई इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री नहीं होता बेसिकली जैसे जो आई ऑफिसर्स होते हैं तो जब वो अपने पूरे लाइफ टाइम के वर्क करियर के अंदर जब एक हाई पोजीशन में पहुंच जाते हैं देन दे बिकम द सेक्रेटरीज गवर्नर का क्या रोल है गवर्नर को मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर ही इनको शपथ दिलाते हैं और अगर कुछ हंग असेंबली टाइप हो गया या कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो उस टाइम पे भी गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर अपनी यूज़ कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर चीफ मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ के लिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है नीति आयोग के अंदर भी चीफ मिनिस्टर Minister और मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं नाउ दीज आर सम क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन का एम सी क्यूज वीडियोज़ भी हम लेके आएंगे आप इनको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं वीडियोज़ को पोस्ट करके अदरवाइज आई विल डिस्कस इट सो थैंक यू सो मच आप वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर जरूर, जरूर करिए ठीक है आई प्रिटी श्योर कि इस मंथ में मैं आपका राजस्थान कल्चर एंड राजस्थान पॉलिटी कम्प्लीट कर दूंगी लेकिन आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए वीडियोज़ को शेयर जरूर करिए एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आर पी एस सी कॉमर्स सब्जेक्ट देन वी डू हैव अ कोर्स यू इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज इट इट इज़ अवेलेबल एट जस्ट रुपीज़ टू ट्रिपल नाइन तो काफ़ी कम अमाउंट का कॉस्ट है एंड आपको काफ़ी हाई क्वालिटी कॉन्टेंट इसके अंदर मिलेगा सो थैंक यू सो मच